मैच स्टार्ट हो गया तो इसीलिए हम हॉटस्टार पे देखते हुए घर जा रहे हैं। घर चलते हैं, घर जाकर टीवी में देखते हैं मैच। वेलकम बैक टू माय चैनल, आप सभी का स्वागत करता हूँ एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज से मैं डेली व्लॉग डालने वाला हूँ और यह आज पहला दिन है, तो सुबह सुबह एक नेक काम करके स्टार्ट करता हूँ। सो देखते रहिए, सभी आ चुके हैं पार्टी के लिए, सो आप देखते रहिए वीडियो। तो ये ख़त्म और अभी 6:30 बज रहे सुबह के। आज मैं बहुत ज़्यादा ही लेट हो चुका हूँ क्योंकि मैं रनिंग ले एवरी डे जाता हूँ, तो आज काफ़ी लेट हो गया है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए सीधा ग्राउंड पे चलते हैं। तो अभी मैं ग्राउंड पे आ चुका हूँ, अब रनिंग स्टार्ट करने वाला हूँ। और ये हमारे ग्राउंड पे ये सुबह का व्यू देखिए, सूरज निकल रहा है और ये भी अभी निकले हैं। तो चलिए अब रनिंग स्टार्ट करते हैं। आज का वर्कआउट डन, तो चलते घर। अब जो भी होता आगे आपको दिखाते हैं। तो अभी हम आए हुए हैं लेक व्यू बनुगली में, जहाँ आरती का फोटोशूट होने वाला है। दरअसल इसका एक एल्बम आ रहा है तो उसी का फोटोशूट होने वाला है। तो स्कूल ड्रेस में है और इसका जो वीडियो है कुछ दिन में आने वाला, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ज़रूर। तो चलिए अब चलते हैं फोटोशूट जहाँ होता है वहाँ। थोड़ा क्लोज आ, क्लोज आ थोड़ा। तुम मुखटा एकदम देखा ही अच्छा ना। हाँ हाँ ওদিকে তাকা, ক্যামেরার দিকে না, ওদিকে তাকা। সো গাইস, জেসে কি আপনি वापस घर आ चुका हूं और मुझे आए हुए एक्चुअली 2 घंटे हो गए क्योंकि मैंने दोबारा वीडियो नहीं किया क्योंकि इतनी तेज धूप थी और धूप में मैं बनहुगली, मतलब मेरे घर से यहाँ से कम 2 किलोमीटर दूर है, वहाँ से मुझे पैदल धूप में आना पड़ा और मेरे संग मेरी बहन थी छोटी सी। तो एक्चुअली ऐसा हुआ कि कुछ अभी जैसे इलेक्शन का टाइम है तो बंगाल में हर जगह पॉलिटिकल कुछ ना कुछ इशू हो ही रहा है जहाँ तक, तो इसी वजह से मुझे पैदल वहाँ से यहाँ तक आना पड़ा। और 1:30 बजे करीब मैं घर आया था, उसके बाद मैंने खाना वाना खाया, फिर अपने फ्रेंड के घर गया था, उसने कुछ बुलाया था कि चलो आओ थोड़ा लस्सी उसी बनाते, कुछ पार्टी करते, जो कि हम लोग ऐसे नॉर्मल करते रहते हैं। तो अचानक कैंसिल हो गया और अब भी मैं घर आया हूँ। तो और वैसे भी आज 9 अप्रैल है, आज काफ़ी अच्छा दिन है क्योंकि ऐसा IPL स्टार्ट होने वाला है। और आप सभी कमेंट करके बताइए कि आपकी फेवरेट टीम कौन है और आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप सब। तो चलिए, वैसे हम शाम को जाएंगे ग्राउंड पे, तो आपसे वहीं डायरेक्ट मिलते हैं जो मैं क्रिकेट या वॉलीबॉल कुछ भी खेलूँगा। टाइम से 7:30 बजे तक मैं वापस घर आने वाला हूँ क्योंकि आज से IPL स्टार्ट है और मेरी फेवरेट टीम का मैच आज है, वो भी मुंबई इंडियंस, तो वो मैं मिस नहीं करने वाला हूँ। तो मैं ग्राउंड पे आ जाऊँगा,
उसके बाद तुरंत मैं वापस घर आऊँगा। तो चलिए डायरेक्ट, अगर कुछ होता तो बीच में जरूर दिखाऊंगा, नहीं तो सीधा ग्राउंड पर शाम को मिलते हैं। चलिए गोल हो गया, गोल हो गया। ओ विशाल दा, ओ विशाल दा, देखिए 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 कितना दिन बाद अच्छा खेल। मेरे पास नहीं है, यही तो दे रहा हूँ। खेलने के बाद हम वापस घर जा रहे हैं और मैच स्टार्ट हो गया, तो इसीलिए हम हॉटस्टार पे देखते हुए घर जा रहे हैं। घर चलते हैं, घर जाकर टीवी में देखते हैं मैच। अब देखने को मन नहीं कर रहा क्योंकि रोहित शर्मा आउट हो चुका है। जैसे पहले होता था सचिन के आउट होने के बाद क्रिकेट देखने को मन नहीं करता था, वैसे ही बहुत बड़ा फैन हूँ रोहित शर्मा का, तो अब मन नहीं कर रहा। बट आज फर्स्ट डे है तो आज पूरा मैच देखना है। चलिए मैच को एंजॉय करते हैं और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को नए आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।